बिहार के राजभवन में ईवीएम हैकर्स को पनाह देने का आरोप लगाने वाले आरजेडी नेता नीतीश कार्तिकेय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद के बड़े समर्थक माने जाने वाले नीतीश के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल आरजेडी नेता नीतीश कार्तिकेय ने राजभवन पर ईवीएम हैकर को ठहराने का आरोप लगाया था। नीतीश कार्तिकेय आरजेडी के आईटी सेल का इंचार्ज है और उसने एक्स पर पोस्ट कर राजभवन पर आरोप लगाया था, जिस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने नाराजगी जताई है और इसके बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव ने ईओयू के एडीजी को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की। राजभवन के आदेश पर ईओयू ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए रुख करेंगे अगली खबर का। आरजेडी नेता की ओर से राज्यपाल भवन पर हैकर्स रखने के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो न्यायालय के आदेश पर आंदोलन करते हैं। ये लोग अपनी हार की हताशा से इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, ये लोग वही हैं जो भ्रम का जाल फैलाते हैं। संविधान खतरे में है, ये संविधान विरोधी मानसिकता इनकी झलक रही है। संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले लोग हैं ये। माननीय न्यायालय के निर्णय पर आंदोलन करने वाले हैं। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जब कार्रवाई करती है तो छाती पीटते हैं, लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं। ने कहा है कि जो बयान इस तरह के दिए जा रहे हैं ये बहुत गलत है, ये बेबुनियाद आरोप इस तरह के और गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये कि जिस तरह से संविधान विरोधी लोग बन गए हैं ये विपक्ष के लोग, क्योंकि राजभवन को भी नहीं बख्श रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इनकी आदत बन चुकी है।